फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ घुटनों की चिकनाहट और दर्द की समस्या को सही करें सिर्फ 10 दिन में, अब तक का सबसे सफल प्रयोग। तो स्वागत है फ्रेंड्स हमारे इस चैनल लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। आपने अभी तक का हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। आज के बदलते परिवेश में खान पान में भी कुछ न कुछ बदलाव आ रहा है, क्योंकि आज वो पुराने जमाने के बिना मिलावटी शुद्ध खाद्य सामग्री नहीं रही। यही कारण है कि आज के इस आधुनिक और वैज्ञानिक युग में भी बीमारियों का अंबार खड़ा है। इसमें से एक है घुटने का दर्द। हमने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों को घुटनों के दर्द से तड़पते हुए देखा है। दिन रात दवाई खाने से भी उन्हें कोई आराम नहीं मिलता है, चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है और साथ ही घुटनों को मोड़ने में, उठने बैठने में भी दिक्कत आती है। कभी कभी उन्हें इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो ठीक ढंग से सो भी नहीं पाते और उनके घुटनों में सूजन तक भी आ जाती है। उम्र के साथ हड्डियों की बीमारी बढ़ती जाती है। आज हम घुटनों के दर्द के ऐसे कारगर उपाय बताएंगे जो बहुत असरकारक है। अगर इनको अपना लिया तो बुढ़ापे तक किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, घोड़े की तरह दौड़ पाएंगे। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। हर सिंगार एक पौधा है जिसके सफेद रंग के फूल होते हैं। ये फूल रात को खिलकर सुबह गिर जाते हैं। इस पौधे के 6 से 7 पत्तों को सिलबट्टे पर पीसकर इसकी चटनी बना लें और एक गिलास पानी में उबालें। उबलते उबलते जब यह आधा रह जाए तो इसको गुनगुना करके प्रतिदिन खाली पेट पिएं। ऐसा करने से आपके शरीर और जोड़ों के दर्द से आपको मुक्ति मिलेगी। इस औषधि के साथ कोई अन्य दवा नहीं लेनी है। यह उपाय सबसे ज्यादा कारगर और सफल है। इसके अलावा कनेर के पत्तों को उबालकर उसको उसके पत्ती की चटनी बना लें और तिल के तेल में मिलाकर घुटनों पर मालिश करें। ऐसा करने से आपको दर्द से मुक्ति मिलेगी। आपके घुटनों में दर्द रहता है तो रोज रात को 2 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें और प्रातः काल खाली पेट मेथी को चबा चबा कर खाने से और मेथी का पानी पीने से आपको कभी भी घुटनों का दर्द नहीं होगा। 1 गिलास दूध में 4 से 5 लहसुन की कलियां डालकर अच्छी तरह से उबालें और गुनगुना पीने से भी घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। हर रोज आधा कच्चा नारियल खाने से बुढ़ापे में भी कभी आपको घुटने के दर्द की परेशानी नहीं होगी। अखरोट प्रतिदिन खाली पेट खाने से आपके घुटने में कभी कष्ट नहीं होगा। रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में हल्दी डालकर पीने से आपको हड्डियों में दर्द की समस्या से मुक्ति मिलेगी। 1 दाल के दाने के बराबर थोड़ा सा चूना जो आप पान में लगाकर खाते हैं को दही में या पानी में मिलाकर पीने से आपको हड्डियों में कभी दर्द नहीं होगा। चूने के पानी को हमेशा सीधे बैठकर ही पिएं। इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। यह औषधि सिर्फ 1 महीने पीने से ही शरीर की किसी भी हड्डी में दर्द हो तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सुबह और शाम को भद्र आसन करने से आपको लाभ मिलेगा। हड्डियों के दर्द से बचने के लिए आप अपने भोजन में 25% फल और सब्जियों को शामिल करेंगे तो आपको कभी भी हड्डियों के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूध और दूध से बनी चीजें भरपूर मात्रा में खाएं और कच्चा पनीर भी भोजन में शामिल करें। ऐसा करने से आपके जोड़ों के दर्द में कमी आएगी। मोटा अनाज मकई, बाजरा, चोकर वाले आटे की रोटियों का जरूर उपयोग करें, क्योंकि इनमें वो सभी तत्व होता है जो आपकी हड्डियों और जोड़ों के दर्द से मुक्ति दिलाता है। अगर अत्यधिक सर्दी की वजह से आपके दादा या दादी के घुटनों में बहुत अधिक पीड़ा है तो सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन को पकाएं और फिर यह तेल गुनगुना हो जाए तो घुटनों पर मालिश करें, उनका दर्द छू मंतर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स घुटनों की चिकनाहट और दर्द की समस्या को सही करें सिर्फ 10 दिन में, अब तक का सबसे सफल प्रयोग।
ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।